नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। संपूर्ण भारत में हम आपको दिखाएंगे देश के हर कोने की बड़ी खबरें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, हर राज्य में क्या कुछ है बड़ी खबरें, देखिए संपूर्ण भारत में। लोकसभा चुनाव से पहले आज 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग संपन्न हो गई है। जिन 15 सीटों के लिए वोटिंग हुई है उनमें उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें, माफ कीजिएगा 10 राज्यसभा सीटें, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम 4 बजे तक वोटिंग चली है। विधायकों ने अपने अपने राज्यों की विधानसभा में बने पोलिंग बूथ में वोट डाले हैं। तीनों ही राज्यों में विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की खबरें भी सामने आई है। यूपी की 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। इस चुनाव में कुल 395 वोट पड़े हैं। साथ ही आपको बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जो आमने सामने थे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी में 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है और 1 विधायक वोट डालने नहीं आया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के 1 विधायक ने भी क्रॉस वोट किया है। सपा विधायकों के क्रॉस वोट के चलते बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। फिलहाल यूपी में वोटों की गिनती शुरू है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। कुल 68 में से 67 विधायक वोट डाले गए हैं। विधायकों की तरफ से चिंतपुरी से कांग्रेस के जो विधायक है सुदर्शन कुमार स्वास्थ्य कारणों की वजह से वोट डालने नहीं जा सके हैं, तो वहीं पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी राज्यसभा चुनाव में वोट डाला है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष महाजन से है। वैसे उनसे बातचीत करने के बाद आगे मैं बता सकता हूँ, और निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है, और मैं कह सकता हूँ कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है, और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ थोड़ी है, वहाँ तो पैसे आत्मा अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। फॉर दी बेस्ट, हमने पूरी मेहनत की है और फाइट तो देंगे, वी आर होपिंग फॉर बेस्ट। शाम को ही पता लगेगा, आप भी अभी तो क्या बोल सकते हैं इसमें, तो आप जानते हैं नंबर हमारे पास है, इनके पास नंबर्स तो है नहीं। इट इज़ ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, नहीं कोई क्रॉस वोटिंग का वो नहीं है, हमारे अपने नंबर्स पूरे हैं, बल्कि हमें जो है और भी वोट पड़े। जी, कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि अच्छे बहुमत के साथ हमारा राज्यसभा की सीट हमारे जो प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी जी जीतेंगे, और हमें पूर्ण आशा है कि हमारे जो निर्दलीय साथी है, जो कांग्रेस पार्टी के एसोसिएट मेंबर्स है, वो भी कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। ये बातें आप जानते हैं कि चुनाव से पहले कई बातें चलती हैं, और ये सारी बातें मैं समझता हूँ मनगढ़ंत है, और अंत में अच्छे बहुमत के साथ। तो कर्नाटक में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। सुबह की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें से 3 कांग्रेस और 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन और मौजूदा राज्यसभा सांसद जी सी चंद्रशेखर और सैयद नसीर हुसैन ने जीत दर्ज की है। जबकि अगर बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो बीजेपी के नारायण ने अपना परचम लहराया है। एनडीए के सूबे में जनता दल सेकुलर के नेता भूपेंद्र रेड्डी को भी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो इस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच राज्यसभा चुनाव में वोट को लेकर के कहासुनी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच फोन पर राज्यसभा चुनाव में वोट देने के मुद्दे पर बहस हो गई। बताया ये जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बहस के दौरान पल्लवी पटेल से साफ साफ कह दिया कि आपका वोट नहीं चाहिए।
रामजी लाल सुमन जी। देखिए पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं है। रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। देखिए अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया है। पीडीए राज्यसभा चुनाव के मतदान के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल के ना पहुंचने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वे अभी तक नहीं आई है तो वे जाने, मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता। और तरह से भी थी, अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से, तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी, अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज। इतना ही नहीं, जिस तरीके से आज क्रॉस वोटिंग को लेकर के खबरें रही है, तो वहीं क्रॉस वोटिंग को लेकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट की परीक्षा थी, सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी, ये जानने की कि कौन कौन दिल में है, पीडीए के साथ है, ये भी जानना कि कौन अंतरात्मा से पिछड़े हैं, दलितों के खिलाफ है, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है, यही तीसरी सीट की जीत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बता दें कि दिल्ली में कुलदीप कुमार पूर्व से चुनाव लड़ेंगे, वहीं सोमनाथ भारती नई दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरेंगे, सही राम पहलवान दक्षिणी दिल्ली से और महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और हरियाणा का गर्व किया जाए तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में लड़ेंगे। जरूर हुई पहल, देखिए लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी जीतने की तैयारी कर रही है, तो जीत के लिए जो जो जरूर हुई पहलू हैं सभी पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद जो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको निर्णय। और देखिए सभी पर, जैसा मैंने कहा कि सभी पहलुओं पे जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने हैं उन सभी पहलुओं पे आम आदमी पार्टी के पीएसए में हम चर्चा करेंगे। और वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वन टाइम सेटलमेंट योजना को लागू न करने को लेकर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आप विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में प्रदर्शन भी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 8वां समन भेजा है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ईडी की तरफ से 4 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले केजरीवाल को 7 समन भेजे जा चुके हैं, अब 8वां समन भेजा गया है, लेकिन उन्होंने इन्हें अवैध बताया है और पेश नहीं हुए। ऐसे में अब ईडी की तरफ से 8वां समन भेजा गया है। दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले के आरोप लगे हैं, इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है, तो वहीं पर इसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ईडी जांच कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरुअनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि तिरुअनंतपुरम आना हमेशा खुशी की बात रही है, ये शहर गर्मजोशी और स्नेही लोगों से भरा हुआ है, अंतरिक्ष में भी हम तेजी से कदम आगे की तरफ बढ़ा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन होगा। कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया, इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। तो वहीं केरल में पीएम मोदी ने कांग्रेस और सीपीआईएम के नए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका एक ही ट्रैक कार्ड है,
साथ ही कैसे उन्होंने देश के दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा है। इसके अलावा ये लोग केरल में एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन बाकी देश में ये एक दूसरे के BFF यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। केरला में बीजेपी कभी सरकार में नहीं रही, लेकिन फिर भी हमने केरला के विकास का पूरा प्रयास किया है। मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रख दिया है, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नए गठबंधन का हाल क्या है? उनका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ही उपलब्धि है। कैसे उन्होंने पूरे देश को दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा, उनके लिए परिवार का हित देश के करोड़ों परिवारों से ऊपर रहा है। कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर भी रहे हैं, जहां पर तिरुपुर के पलदम में पीएम नरेंद्र मोदी का अभी नंदन किया गया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जो लोग दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके देश के टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, वो जरा आकर ये भी देख लें कि तमिलनाडु हिंदुस्तान का भाग्य बनाने वाला ये एक ऐसा राज्य है आज आपके आंखों के सामने है। जो लोग दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, वो जरा आकर के देख ले तमिलनाडु हिंदुस्तान का भाग्य बनाने वाला ये राज्य आज आपकी आंखों के सामने है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने पलदम में जर्मन सिंगर माई स्पिटमैन और उनकी मां से भी मुलाकात की है। आपको बता दें कि स्पिटमैन का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। वो कई भारतीय भाषाओं में गीत विशेषकर भक्ति गीत गाती है। आज उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने भी गीत गाया है और एक तमिल गाना भी गाया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस बीच आ रही बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के बीच हिमाचल में खेला संकट में कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के 9 विधायक पहुंचे चंडीगढ़, सीएम सुक्खू ने लगाए आरोप, विधायकों को किया गया किडनैप, ये बड़ा गंभीर आरोप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से लगाया गया है। कांग्रेस के 9 विधायक चंडीगढ़ पहुंचे हैं, जिसके बाद सीएम सुक्खू की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार संकट में नजर आ रही है, विधायकों को किडनैप करने का आरोप भी सीएम सुक्खू की तरफ से लगाया गया है। राज्यसभा चुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश में बड़ा खेला। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय CAA नियमों को अधिसूचित कर सकता है। CAA नियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए हैं अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता आवेदनों का प्रसारण सुनिश्चित करेगा। साथ ही मंत्रालय के एक जानकार सूत्र की माने तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर है। अहमदाबाद पहुंचने के बाद अमित शाह ने गांधीनगर के मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद कड़वा पाटीदार समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए।
तो वहीं बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दो और राजद के एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तीनों विधायक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ भी नजर आए हैं। कांग्रेस के जिस एक विधायक ने पाला बदला है वो महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो वहीं राजद खेमे से संगीता देवी ने पाला बदल करके बीजेपी का हाथ थामा है। क्या कहूँगी, ये निर्णय है, ये मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दलितों की उपेक्षा की जा रही है, दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है और ऐसा हुआ है, इसलिए ये मैंने निर्णय लिया है। तो वहीं हरियाणा INLD प्रमुख नफे सिंह राठी की हत्या पर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये बहुत दुखद घटना है, मुझे जैसे कि इसकी जानकारी मिलती है मैं तुरंत DGP झज्जर SP SDF चीफ से बात करी, उसके बाद हमारी पुलिस सक्षम है, लेकिन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने इस केस को CBI को सौंप दिया है। दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पकड़े इनको, देखिए ये बहुत दुखद घटना हुई है। वो पूर्व विधायक थे, वो मेरे साथ भी 1996 और 2000 में विधायक रहे। जैसे ही इसकी मुझे जानकारी मिली मैंने तुरंत पुलिस के अधिकारियों से बात की, मैंने DGP से बात की, मैंने SP से झज्जर के SP से बात की, मैंने STF चीफ से बात करी और मैंने सबको कहा कि तुरंत सबको लगाइए और पकड़े इनको जो भी लोग हैं। लेकिन फिर भी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, हालांकि मेरी पुलिस सक्षम है, मेरी पुलिस STF ने बड़े बड़े केस रिजोल्व किए हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने इसको CBI को दिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभल से सांसद सफीकुर रहमान बर्क का आज निधन हो गया है। वे 94 साल के हैं और सफीकुर रहमान बर्क काफी दिनों से बीमार भी चल रहे थे। मुरादाबाद के एक अस्पताल में एडमिट थे जहां पर उनका इलाज चल रहा था। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें संभल से उम्मीदवार भी बनाया था। सफीकुर रहमान लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद थे। सफीकुर रहमान बर्क 4 बार विधायक और 5 बार सांसद रह रही हैं। तो उधर हरदोई में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं में जमकर के मारपीट हुई है, तस्वीरें भी सामने आई है। इसके साथ ही गाली गलौज से जमकर के बवाल भी हुआ है। सपा नेताओं की आपसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना यह है कि यादव लोग हैं, रिहर्सल करते रहते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो बाहर भी काम आएंगे। सपा जिला अध्यक्ष की पूर्व में हिस्ट्री शीट खुली और जिला बदर भी रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि पूरी घटना पर उस समय घटी है जब मासिक बैठक थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष, उनके बेटे और ड्राइवर पर मारपीट का आरोप लगाया। सबसे पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जता करके मुझे प्रत्याशी बना करके यहाँ भेजा है हरदोई लोकसभा से। और आज चूँकि कार्यालय पर पहली मासिक बैठक हो रही है, यहाँ पर हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, सभी प्रत्याशी जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे और सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमने बूथ से स्तर से तैयारी की है और हम विगत 6 माह से लगातार बूथों पर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो PDA बनाया है, PDA एक मत है और हम भारी मतों से श्रीमती उषा वर्मा जी को यहाँ से हरदोई लोकसभा से जितवाएंगे। वो जो मिश्रिक प्रत्याशी हैं आज वो हमारे यहाँ उपस्थित नहीं हुए, ये मान जानकारी हुई है कि वो बीमार हैं। अब उनके बारे में मुझे अगले दिन बताना है, जो कि बताना है। मामला कुछ नहीं, जैसे सांसद जी आए मैंने उषा वर्मा माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इतने में वीरे यादव और इनके लड़के और इनका एक ड्राइवर से भगा दिया। नारा नहीं लगाओगे और नारा सिर्फ लगाओगे तो वीरे यादव की लगाओगे, वरना यहाँ से भाग जाओ कार्यालय। पर्यटन स्थल अटल टनल रोहतांग में ताजा हिमपात हुआ है, जबकि रोहतांग, कुंजुम, शिंकुला एवं बारालाचा दर्रों में भारी हिमपात का क्रम जारी है। इन दर्रों में
ढाई से तीन फुट ताजा हिमपात होने की सूचना मिली है। भारी हिमपात से मनाली केलांग के बीच वाहनों की आवाजाही पर भी ब्रेक लगा है, प्रभाव पड़ा है और भारी हिमपात की सूचना मिल रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर रखकर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने करीब 89,000 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार जेंडर बजट के साथ साथ राज्य के समग्र विकास पर भी आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी। तो वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के तेवर काफी तल्ख नजर आए हैं। विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है, सुनते हैं क्या कुछ कहा गया विपक्ष के नेताओं की तरफ से। हाल है उसके लिए कि आज की तैयारी हमारी कानून व्यवस्था जो है 310 में हम लोग उसको ला रहे हैं, जो प्रदेश का बदहाल हाल है उसके लिए कि महामहिम राष्ट्रपति देहरादून में होते हैं और उनके काफिले से 300 मीटर दूर डकैती हो जाती है। ऐसी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे मामले हैं कानून व्यवस्था के प्रदेश में जो चरमरा गई है। उसके साथ ही बजट की बात करें तो अब तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। बजट सरकार युवाओं के लिए बजट में क्या लाई है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री और युवा सड़कों पर है। अब बजट में युवाओं के लिए क्या लाते हैं, व्यवस्थित रूप से चले, व्यवधान पैदा न हो, हमारा प्रयास सही रहता है। हम सकारात्मक पहल करना चाहते हैं और हमने की भी है। आज प्रश्नकाल है और निश्चित रूप से हम काम रोको प्रस्ताव भी लाएंगे, जिसमें प्रदेश का जो ध्वस्त होती हुई लचर कानून व्यवस्था है उसको नियम के तहत हम उठाएंगे। और आप जानते हैं कि कानून व्यवस्था बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट अनिल बुल्लोनी, साथ ही चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, संगठन मंत्री अजय कुमार समेत कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर जीत हासिल करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। इस बार उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में कुल 210,354 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार शिक्षा विभाग ने नकल विहीन परीक्षा का लक्ष्य रखा है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा भी लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज पहला प्रश्न पत्र हिंदी का था, इसमें केवल इंटरमीडिएट के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। हाई स्कूल का कल से है, तो कुछ छात्र हम एक परीक्षा केंद्र पर हैं जो परीक्षा देकर लौट रहे हैं छात्र, इनसे बात करेंगे। इसमें कुछ बालिकाएं भी हैं जो परीक्षार्थी हैं, बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदनी है। अच्छा, कैसा प्रश्न पत्र था पहला? प्रश्न पत्र बहुत अच्छा था। अच्छा था जी। सवाल कैसे थे? सवाल भी अच्छे थे, जिसमें सारे किए हमने, आते थे हमें सब। अच्छा, आप बताइए। जी सर। आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान जी। मुस्कान रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल इजी थे जी। ठीक लगा? पेपर सही था। अंदर की व्यवस्था कैसी थी? पक्ष निरीक्षक कैसे? ठीक ठाक? सब अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। यस सर। आप यही कहेंगे जी। तो ये कुछ बालिकाएं थी जो परीक्षा देकर लौट रही हैं और चेहरे पर खुशी। एक यहाँ परीक्षार्थी भी, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? युवराज सिंह। युवराज सिंह, हंस रहे हो। पहला प्रश्न पत्र कैसा रहा? बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। कितने सवाल किए हैं? सारे किए। सारे कर दिए। इजी थे या कुछ हार्ड भी थे? नॉर्मली थे। नॉर्मली थे, आप देख सकते हैं नॉर्मल थे। तो अधिकांश छात्र जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। केंद्र व्यवस्थापक संजय चौधरी भी मौजूद हैं। संजय जी, आप तो
पहले भी कई बार केंद्र सभा की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, महती जिम्मेदारी यानी कि एक तरह चुनौती होती है क्योंकि नकलविहीन परीक्षा कराना बहुत मुश्किल काम है। सरकार के द्वारा दी गई जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य नकलविहीन परीक्षा कराना है, शांतिपूर्वक परीक्षा कराना है, परीक्षार्थियों को अच्छी व्यवस्था देनी है, शांति माहौल में परीक्षा देंगे बच्चे। फ्लाइंग स्क्वाड भी आया था आज, फ्लाइंग स्क्वाड भी आया था, उन्होंने भी कमरों की तलाशी ली, बच्चों से तलाशी लेने के बाद वो भी यहाँ पर संतुष्ट होकर गए हैं, संतुष्ट होकर गए हैं। कस्टोडियन विवेक सैनी भी इनसे बात करेंगे, आप कुछ बताइए क्योंकि आपकी जिम्मेदारी में तो प्रश्न पत्र रहते हैं, बहुत बड़ा बिल्कुल काम है। बिल्कुल, विभाग द्वारा जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, हमारे CS साहब हैं या मैं हूँ या अन्य जो भी हमारे यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए हैं, वो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और जब तक एग्जाम होंगे अंत तक हम इस काम को अपनी ईमानदारी से, बड़ी मुस्तैदी से, ईमानदारी से परीक्षाएं कराई जा रही है। ये दावा कस्टोडियन और केंद्र व्यवस्था पक्का है। साथ में जो छात्र परीक्षा देकर लौट रहे हैं, चेहरे पर हंसी है, खेलते खेलते बाहर यानी कि हंसते खेलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पहला प्रश्न पत्र आसान था, सरल था। कुछ छात्रों ने भी बताया कि कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी क्वेश्चनों को समय से हल किया है, तो खुशी साफ दिखाई दे रही है। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, अक्सर। हरिद्वार के भूपतवाला में बने 30 बेड के स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से किया है। इससे उत्तरी हरिद्वार के करीब 80,000 लोगों को लाभ मिलेगा। 2016 में अस्पताल निर्माण की घोषणा हुई थी, 8 साल बाद इसका लोकार्पण आज PM नरेंद्र मोदी ने किया है। पावन धाम के पास अस्पताल भवन बनाया गया है। क्षेत्र में अस्पताल निर्माण को लेकर के लंबा आंदोलन क्षेत्रवासियों ने भी किया था। हरिद्वार के मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती थी, अब लोगों को क्षेत्र में ही इलाज मिलेगा और लोगों की परेशानियां खत्म हो गई। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंजवाल ने बनभूलपुरा हिंसा मामले को लेकर के घायल महिला पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हिंसा के दौरान महिला पुलिस कर्मियों के साथ बर्बरता के बारे में जानकारी भी हासिल की है। महिला पुलिस कर्मियों ने भी बताया कि 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, आगजनी की घटना हुई और उन्होंने अपनी जान बचाई है। कई घायल पुलिसकर्मी आज भी उस मंजर के बारे में बात करने से सहम जाते हैं। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम ने कहा कि सुनियोजित रूप से महिला पुलिसकर्मी और नगर निगम कर्मचारी अधिकारियों को टारगेट बना करके हमला किया गया था। तो दरलक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के सचिव और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। दोनों पदों पर आमने सामने का मुकाबला रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त आदित्य प्रकाश ने बताया कि मतदान के बाद मतगणना हुई है। सचिव पद पर कमल नारायण और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर वासु अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पंजाब के CM मान ने शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहीदी दिवस को लेकर के एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में अहम भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी योद्धा शहीद चंद्रशेखर आजाद को उनके शहीदी दिवस पर कोटि कोटि नमन। उनकी देशभक्ति की भावना हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगी। और फिलहाल संपूर्ण भारत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।